हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे आपके ओप्पो के फ़ोन में वॉल्यूम बटन को आप कैमरा एक्शन देख सकते हो। यानी वॉल्यूम बटन पे आप क्लिक करोगे तो कभी जूम यानी और अपने आप फोटो क्लिक, ये सारे ऑप्शन को आप कैसे इसमें यूज़ कर सकते हो वही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने ओप्पो फ़ोन का कैमरा ओपन करने लाए। जैसे ही आप अपना कैमरा ओपन कर ले तो कैमरा ओपन करते हुए आपको ऊपर एक तरफ सेटिंग का आइकन देखने के लिए मिलेगा। आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको जर्नल में देखने के लिए मिल जाएगा वॉल्यूम बटन एक्शन। आपको सिंपली टैप करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, वॉल्यूम शटर जूम। तो आपको कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना। आप जैसे शटर सेलेक्ट करोगे तो आप जब भी वॉल्यूम बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी अपने आप फोटो क्लिक हो जाएगी। तो किस तरीके से आप भी अपने ओप्पो के फ़ोन में वॉल्यूम बटन को एक्शन दे सकते हो। और आपको बोनस टिप में बताना चाहूँगा आप कैसे अपने फ़ोन की स्टोरेज और रैम चेक कर सकते हो। आपको सिंपली सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट फोन का ऑप्शन। आपको सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है डिवाइस स्टोरेज कितना अवेलेबल है और कितना टोटल है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन यहाँ पर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको फ़ोन की रैम, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन। तो गाइस इस तरीके से आप भी अपने ओप्पो के फोन में ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।